तो मिर्जापुर 3 का ट्रेलर इज फाइनली आउट नाउ, बट द क्वेश्चन इज स्टिल द सेम, क्या मुन्ना भैया में देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो यस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिर्जापुर 3 के ट्रेलर के बारे में। ये मुझे कैसा लगा, क्या कुछ ये प्रॉमिस करता है, एंड क्या मुन्ना भैया हमें दिखेंगे ये नहीं, विल टॉक अबाउट दैट। एंड हाँ यार, इट्स टोटली माई ओपिनियन, तो अगर तुम लोग इससे डिसएग्री करते हो देन यू कैन डेफिनेटली क्रिटिसाइज मी, बट यस, स्टिक अराउंड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ट्रेलर स्टार्ट होता है इस रेफरेंस के साथ, कोरोना नहीं मामा जी, करुणा करुणा। एंड इसके बाद मिर्जापुर को मेक्सिको से कंपेयर किया गया है। अबे मिर्जापुर बे। देन जैसा कि सीजन 2 के एंड में हमने देखा था कि कालीन भैया ऑलमोस्ट मर गए थे, एंड सैडली मुन्ना भैया तो मर ही गए थे, तो अब मिर्जापुर की गद्दी है गुड्डू भैया के हाथ में, एंड वो पूरे पूर्वांचल को ये बताना चाहते हैं। इसके बाद हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है एंड उनके मोटिव्स हमें पता लगते हैं कि कैसे हर कोई गद्दी के पीछे पागल है। बट किंग की एंट्री तो ऑब्वियसली एंड में ही होती है, एंड पंकज त्रिपाठी को इस कैरेक्टर में रिटर्न करते हुए देख के मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब सबसे पहले तो ये ट्रेलर मुझे इसलिए पसंद आया बिकॉज इट्स वेल एडिटेड, मतलब इस ट्रेलर में कहीं पे भी कुछ भी स्पॉइल नहीं होता है। जितना हमें सीजन 2 के एंड में पता था उतना ही अब भी पता है, एंड इस चीज की वजह से क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है एंड लोग और भी थ्योरीज बनाने लग जाते हैं। कैरेक्टर्स की प्रेजेंट कंडीशन दिखाई गई है, उनके आने वाले फ्यूचर के मोटिव्स दिखाए गए हैं, बट कहीं पे भी कुछ भी जरा सा भी स्पॉइल नहीं किया गया है कि स्टोरी में क्या होने वाला है या फिर हम कुछ पहले से प्रिडिक्ट कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यस, थ्योरीज काफी सारी क्रिएट होंगी। देन BGM इज एज ऑलवेज सो गुड, एंड इस बार भी वॉयलेंस बहुत ज्यादा होने वाला है। मिर्जापुर सीजन 2 से काफी मेजर क्रिटिसिज्म ये था कि हर किसी को ऐसा लग रहा था कि इस बार पॉलिटिक्स काफी ज्यादा है, क्योंकि सीजन 1 में हमें पॉलिटिक्स और वॉयलेंस एंड एक्शन के बीच में काफी अच्छा बैलेंस तो देखने को मिला था, बट सीजन 2 में वॉयलेंस कम एंड पॉलिटिक्स काफी ज्यादा थी, जिस वजह से काफी सारे लोगों को ये उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। बट यस, स्टिल सीजन 3 की हाइप थी, एंड इस बार देख के ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने इस क्रिटिसिज्म को काफी पॉजिटिवली लिया है, एंड इस बार इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ साथ हमें काफी ज्यादा वॉयलेंस एन एक्शन देखने को मिलने वाला है, विच इज अ ग्रेट थिंग इन माई ओपिनियन, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन मिर्जापुर की USP ही यही रही है कि ये काफी ज्यादा रॉ, रियल, वॉयलेंट एंड ऑफकोर्स पॉलिटिक्स से भरा हुआ होता है, एंड सीजन 3 का ट्रेलर भी यही सारी चीजें प्रॉमिस करता है। बट पूरे ट्रेलर में से मेरा फेवरेट सीन था ये वाला, मैन द रेज इन हिज आईज एंड हिज वॉइस इज सो डैम परफेक्ट। सो ओवरऑल द ट्रेलर इज रियली स्लिक, जो कि कुछ भी रिवील नहीं करता है एंड उल्टा एक्साइटमेंट बढ़ा देता है, बट आई स्टिल प्रेफर द टीजर क्योंकि वो इससे भी ज्यादा कड़क था। लेकिन अब बात करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन के बारे में, क्या हमें मिर्जापुर सीजन 3 में मुन्ना भैया देखने को मिलेंगे या नहीं। अब देखो, इंटरनेट पे काफी सारी थ्योरीज तो घूम रही हैं कि ही इज स्टिल अलाइव, काफी सारी थ्योरीज तो ऐसे ही हैं, बट सम ऑफ देम एक्चुअली मेक सेंस। अब देखो, हाँ ये बात तो है कि सिनेमा में अ कैरेक्टर इज नेवर ट्रूली डेड, लेकिन ये काफी सारी और चीजों पे भी डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले तो राइटिंग, क्योंकि मुन्ना भैया का जो पूरा कैरेक्टर आर्क था वो जिस तरीके से एंड होता है वो कहीं ना कहीं सेंस भी बनाता है। आई नो वी स्टिल वॉन्ट हिम बैक, क्योंकि वो मिर्जापुर की जान है एंड वी वॉन्ट टू हैव अ वेरी सेटिस्फाइंग एंड ऑफ दैट कैरेक्टर, बट वी कांट डू एनीथिंग। इसके अलावा एक्टर्स पे भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि देखो दिव्येंदु इज समवन जो कि किसी भी कैरेक्टर को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं। आई मीन ही इज नॉट समवन जो कि अपने किसी पॉपुलर कैरेक्टर पे कैपिटलाइज कर लें अनलेस उन्हें मजा आ रहा है, क्योंकि ही इज समवन जो कि अपनी क्रिएटिव चॉइसेस को लेके काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, एंड अगर उन्हें किसी कैरेक्टर में मजा नहीं आ रहा है तो he'll simply not do that. Like Liquid का कैरेक्टर, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर था, हर किसी ने पसंद भी किया था, but still दिव्येंदु ने प्यार का पंचनामा 2 साइन नहीं की। I am not part of season 3, guys. I know it's a heartbreak, and I really respect those conspiracy theories. Yeah. They were legit conspiracy theories. Yeah. But on Humans of Bombay, I shall declare that I am not part of Mirzapur season 3. So many heartbreaks. लेकिन हाँ यार, as an audience, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो हमें season 3 में देखने को मिले एंड मिर्जापुर की गद्दी उनकी हो। आई स्टिल वॉन्ट दैट एंड आई ऑलवेज वॉन्ट दैट। बट अगर वो सीजन 3 में ना भी हुए तो एटलीस्ट एक छोटा सा कैमियो तो होना ही चाहिए जो कि आगे आने वाले सीजन्स को स्टेब्लिश करे, एंड यस आने वाले सीजन्स में हमें मुन्ना भैया देखने को मिले। उनका एक छोटा सा कैमियो देख के भी ऑडियंस कंफर्म पागल हो जाएगी एंड फैंस बहुत ज्यादा खुश होंगे। सो मैं तो यही होप करता हूँ कि वो हमें सीजन 3 में देखने को मिलेंगे। बट ये तो था मेरा ओपिनियन, तुम्हें क्या लगता है मुन्ना भैया मिर्जापुर 3 में होंगे, उनका कैमियो होगा या नहीं, एंड तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा, सब कुछ कमेंट्स में बता देना। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, cause great content is on the way. So yes, that's it. And now, that's Cinema Buff, signing off.